और सक्सेस होंगे और आप एक जल्दी चीज को अचीव करेंगे। वरना कई लोग तो इसमें जस्ट फॉर्मेलिटी में हम सुन रहे हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, तो वो चीजें आपका कहीं ना कहीं आपकी सीरियसनेस को नहीं शो करती। क्योंकि आप ये देखिए कि हम जब अपने किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जबकि उसने 3 साल बाद कहीं फाइनेंशियल उसके लिए जाना होता है, पर हम फिर भी अपने बच्चे को रेगुलर डेली स्कूल भेजते हैं, उसका डेली होमवर्क कराते हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद माँ बाप उसको टीचर से भी ज्यादा पढ़ा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज के लिए सीरियस है। और हम अपने बच्चे को एक जॉब के लिए या फिर उसको कि वो जिंदगी में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सके उसके लिए तैयार कर रहे हैं, बट हम अपने आप को कहीं भी उस दौड़ में तैयार नहीं कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं हम सीरियस नहीं है उस चीज के लिए। और हमें अगर सीरियस होना है तो हमें इन सब चीजों में सीरियस होकर पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो इम्यूनिटी पे है, और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर प्रेरणा अम्बाला से। उन्होंने पहले भी जूम पर काफी अच्छी नॉलेज दी है हमें, डीएक्सएन प्रोडक्ट से कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं या कैसे हमारी लाइफ में एक बेहतरीन पार्ट अदा करते हैं डीएक्सएन के प्रोडक्ट। वैसे भी वो छोटे छोटे वीडियोस बना के अपने हर प्रोडक्ट के लिए हमें अवेयर करती रहती हैं, और इस तरह की नॉलेज से हमें अपनी डीएक्सएन लाइफ के प्रोडक्ट को और अच्छे से यूज करने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह से हमें उनका सहयोग हमेशा ही मिलता रहा है और होप है कि हमेशा मिलता भी रहेगा। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मैडम का जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी पे, और कोरोना वायरस की वजह से सारे लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से और सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज की मीटिंग में आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट आप सुन पाओगे और इम्यूनिटी के बारे में और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इम्यूनिटी कोई एक चीज नहीं है जिसको हम नाप सके किसी चीज से। कोई आपका टेस्ट हो जाए और आप कहो कि इम्यूनिटी मेरी अच्छी है, तो ये ऐसा कोई चीज नहीं है। इसको आपको समझना होगा जी कि इम्यूनिटी आपके न्यूट्रिशन, आपका डेली लाइफ स्टाइल पे काम करता है। तो आपका डेली लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर आप इस पे काम कर पाए तो इम्यूनिटी पे भी आप काम कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि इम्यूनिटी कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बात समझनी है, कोई एक डोज, कोई एक दवाई, कोई एक इंजेक्शन, कोई टीका, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को रातों रात ठीक कर दे। बहुत सारे लोग पिछले 3 महीने से मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि कोई डोज है ऐसी आप दे दो और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो डोज काम करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन वो इम्यूनिटी के लिए नहीं है, वो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। जैसे आप सबने व्हाट्सएप पे देखा होगा, होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है जो आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी एक जारी किया था, जिसमें आर्सेनिक एल्बम 30 आपको 3 दिन लेना था। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है डीएक्सएन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो मेडिसिन खाई होगी। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी है, जो लोग अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो मेडिसिन बहुत अच्छी है। क्योंकि होम्योपैथी कैसे काम करती है, सिम्टम्स, जो सेम सिम्टम्स हैं उसी के सिम्टम्स को हम देखते हुए मेडिसिन देते हैं। तो कोरोना वायरस से जो सिम्टम आ रहे थे उन सबको एक जगह कलेक्ट करके एक मेडिसिन निकाली गई, आर्सेनिक एल्बम। तो उसको बांटा गया, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि एक डोज आप 3 दिन लेते हो वो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। इम्यूनिटी नहीं वो बढ़ाएगी आपकी, वो क्या कर रही है, वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन और इम्यूनिटी बूस्टर में जमीन और आसमान का अंतर है, ये बात समझने वाली है। तो इम्यूनिटी बूस्टर है हमारे हमारी डाइट, हमारा फूड, तो उस पे हमें काम करना है। तो कैसे काम करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, आपको अपने डेली डाइट में मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, सिलीनियम चाहिए, आपको अपने डेली डाइट में विटामिन सी की जरूरत है। तो ये सब डेली एक्सरसाइज या वॉक अगर आप करते हो तो वो सारा कुछ एक मिक्स कॉम्बिनेशन होगा जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरी चीज ये है कि
केवल डाइट ही नहीं, साथ में हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा मन, हमारा दिमाग कितना शांत है, कितने स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, उसका भी इम्पेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है। तो ये दोनों चीजें अगर हम बैलेंस कर लें, ये दोनों चीजें अगर बैलेंस स्टेट में आ जाएं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में आप नहीं कर सकते। ये चीज आपने स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज, अगर किसी का ओपन है तो, ये इंटरप्ट कर रहा है। तो आप इम्यूनिटी को एक दिन में नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको विटामिन सी लेना है, जो हमारे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है रोजेल, जिसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि उसमें केवल विटामिन सी है, उसमें केवल विटामिन सी नहीं है, उसके साथ साथ आयरन भी है, उसके साथ साथ उसमें मैग्नीशियम भी है उसके, और ये सारे कंटेंट जो है ये आपको एक कॉमन कोल्ड, जिन लोगों को ज्यादा जुकाम रहता है, एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ में एक बहुत ही मिरेकुलस एक्शन है रोजेल का, वो है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज होता है, बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है, और मैक्सिमम जो लोग आरजीजीएल खाना शुरू करते हैं तो मैंने देखा है उनको कंप्लेंट आती है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो लोग साथ में रोजेल अगर स्टार्ट करेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपका गट हेल्दी है, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी है, आपका स्टमक हेल्दी है, तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपका पीएच बैलेंस होगा स्टमक का, और आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो रोजेल केवल विटामिन सी के लिए नहीं, आपके आयरन के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए इसका बहुत अच्छा एक्शन है, और जितने भी स्पेशली यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है जिन फीमेल्स को, तो वो लोग उस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी रोजेल का यूज करें, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी जो सेकंड आपका प्रोडक्ट आता है वो है स्पिरुलिना। तो रोजेल के साथ में आप स्पिरुलिना खाएं, तो उसके अंदर सिलीनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एमिनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें चाहिए वो उसके अंदर है। तो वो एक बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर इम्यूनिटी, और उसके साथ में लेकिन विटामिन सी मस्ट होता है, जिससे कि बेटर एब्जॉर्प्शन हो, और आपकी जो जो भी आपका एक प्रोसेस है इम्यूनिटी बनाने के लिए, उसमें आपको हेल्प मिले। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि स्पिरुलिना साथ में लें विद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डोजेस के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि ये COVID-19 का टाइम चल रहा है। इस टाइम अभी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो जो न्यूट्रिशन हमारे डाइट में हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा फूड है इस टाइम, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमें प्रॉपर फूड, एक ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप स्पिरुलिना अपनी डाइट में ऐड करें, और प्लस रोजेल ऐड करें, और वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटर एब्जॉर्प्शन आपके न्यूट्रिएंट का हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। केवल न्यूट्रिएंट को खाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो साथ में प्लस अगर आप कर लेते हो स्पिरुलिना प्लस रोजेल, वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। और बच्चों के लिए जिनको बार बार आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है फ्लू के लिए, कि सर्दी खांसी ज्यादा होता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम जिन बच्चों को ज्यादा होती है, तो उन बच्चों को आप ये स्टार्ट करो, और फॉर श्योर विद इन अ मंथ आपको ये उनको मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स आपको नहीं देनी पड़ेगी। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा आरजीजीएल। आरजीजीएल आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं है खाली, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इंफ्लामेटरी भी है। तो जिन लोगों को क्रॉनिक इलनेस है, जैसे COVID-19 के टाइम पे बहुत सारे लोग, इंडिया तो हब है, डायबिटिक लोग बहुत ज्यादा हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रबल, एस्थमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, उनको अगर स्पिरुलिना और रोजेल के साथ साथ उनको आरजीजीएल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है। जिनको लंग्स में इंफ्लामेशन हो जाता है जिस टाइम पे, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जिनको हैं, तो वो लोग इसको लेंगे तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर इन्फेक्शन या वायरस उनको आता भी है तो वो उनकी बॉडी उससे सेल्फ फाइट कर सकती है, और वो चीजें वॉर्स नहीं होंगी, ठीक है। तो एंड आपको आरजीजीएल के जो कंजप्शन है वो कैसे करना है, तो एटलीस्ट इस टाइम पे 6 पेयर आपको
जो हेल्दी लोग हैं उनको 6 पेयर लेने हैं, और जिन लोग जो लोग रेस्पिरेटरी ट्रबल को फेस कर रहे हैं या जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार मतलब जुकाम खांसी जल्दी होता है, ठीक है, तो उन लोगों को जो है एटलीस्ट 10-12 पेयर पे जाना चाहिए, तो ये इनको इमीडिएट इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। मतलब आप अगर इसको 1 मंथ रेगुलर लेते हो तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपके सिम्टम्स में, आपकी बॉडी में बहुत अच्छा एक चेंज आया है और आप हेल्दी फील कर रहे हो। पर मेक श्योर कि आपको इसके साथ में विटामिन सी जरूर लेना है। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज जिन लोगों को हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आज जीएल स्टार्ट किया और सबसे पहली कंप्लेंट उनकी आई है कॉन्स्टिपेशन होता है, तो विटामिन सी ना होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपके पेशेंट की सॉल्व नहीं हो रही है तो आप साथ में कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए, तो ये एक आपका जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो वो वाला काम हो जाएगा। और कोकोनट ऑयल किन किन लोगों को देना है आपने, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको तो देना ही देना है 1 स्पून, और मॉर्निंग इवनिंग आप स्टार्ट करिए। या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, जिनके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उन लोगों को आप जो है कोकोनट ऑयल स्टार्ट करिए, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उनकी इवन जो आप खाना बनाते हो उसको, उनको कुकिंग ऑयल को उनके रिप्लेस कर दीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास जो डीएक्सएन मेंबर्स हैं उनको डेली बेसिस में ये चीज फेस करने को मिलेगी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को हाइपरटेंशन है, यानी कि बीपी हाई रहता है। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को आपने कोकोनट ऑयल की एडवाइस करनी है कि वो जो कुकिंग कर रहे हैं अपना कुकिंग ऑयल सबसे पहले रिप्लेस करें। मतलब ये फर्स्ट काम है आपको, अगर हेल्दी रहना है और क्रॉनिक इलनेस से बाहर आना है तो आपको अपना कुकिंग ऑयल हटाना होगा। मतलब जो भी रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़े आप उसको रिप्लेस करके देखिए, और आप अपने फिर टेस्ट कराइए 3 महीने बाद, आपको आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के जो टेस्ट होंगे आपके, यानी आपका जो लिपिड प्रोफाइल होगा वो एकदम बढ़िया आएगा, आपका जो लीवर का टेस्ट होगा यानी कि जिनके SGPT SGOT बढ़े रहते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये मेरे कहने से आप स्टार्ट करिए, और ये पूरा प्रोसेस है इम्यूनिटी का। मतलब जो मैं बता रही हूँ, ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं, ये चारों एक प्रोसेस है जो प्रोसेस को कंप्लीट करता है आपके इम्यूनिटी बनाने के लिए, जो मेंटेन करता है आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को। अब क्वेश्चन आता है कि DXN के प्रोडक्ट आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल हो गया, क्योंकि मैंने खाने को बोला तो आप बोलोगे कि हेल्थ पे काम कर रहा है, यानी फिजिकल काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब आप हेल्दी फूड लेते हो और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आपकी बॉडी को प्रॉपर एमिनो एसिड्स, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो मिल जाते हैं, तो आपके जो ब्रेन के केमिकल्स हैं यानी कि न्यूरोन ट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपर वर्क करने लगते हैं, प्रॉपर रिलीज होने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जो लोग आप बहुत लोगों को देखेंगे जिनको स्ट्रेस है आजकल, आज के टाइम में हर आदमी बोलते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है ना, तो जो लोग आपको स्ट्रेस में मिल रहे हैं उन लोगों को आपने एडवाइस करने हैं ये चारों प्रोडक्ट, और ये चारों प्रोडक्ट आपके पेशेंट को 3-6 मंथ में स्ट्रेस से बाहर ले आएंगे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो OCD का पेशेंट हो, चाहे वो एंजाइटी ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, या सुसाइड के केस बहुत ज्यादा भी सुनने को मिल रहे हैं कि यहाँ इसका सुसाइड हो गया, ये हो गया, तो वो क्या है कि आपका जो ब्रेन है वो, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बॉडी, ये बैलेंस स्टेट में नहीं है, तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहे हो, राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। रीजन क्या है, हमारी बॉडी सिर्फ एक फ्यूल से चलती है, अगर वो फ्यूल ही राइट नहीं होगा तो ये सारा बैलेंस जो है ना बॉडी का वो बिगड़ जाएगा। तो हमें ये बैलेंस को संभालना है, मतलब केवल हमें फिजिकल हेल्थ ही नहीं सुधारनी है, हमें मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है, और मेंटल हेल्थ के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रॉपर मैग्नीशियम चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़े हैं, बच्चे हैं, घर में बच्चे होते हैं, उनको छोटा सा काम बोलो वो नहीं उठ के जाते, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं करना है, ऐसा बहुत सारा आपको एग्जाम्पल आपके अपने घर में मिलेगा। तो वो रीजन ये नहीं है कि उनको वो आलसी है या वो करना नहीं चाहते हैं, रीजन ये है कि उनकी बॉडी का जो फ्यूल है ना वो राइट नहीं है। तो जब आप फ्यूल राइट डालोगे, आप उनको राइट डाइट दोगे, तो
आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपका बच्चा अर्ली सुबह जल्दी भी उठने लगेगा, आपका बच्चा एक्सरसाइज भी करेगा, आपका बच्चा सारे ट्यूशन एक्सरसाइज सब कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए उसको फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल क्या हो रहा है, हमारा बहुत कम एज से ही फ्यूल खराब हो गया है। फ्यूल कैसे खराब हो गया है, हम लोग का टाइम नहीं है खाने का, हम लोग का कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं है, है ना। तो अगर आपने अपना कुकिंग ऑयल और अपनी डाइट में विटामिन सी, RGGL यानी एंटी ऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज, स्पिरुलिना, ये सब बढ़ा दिया, तो ये चार प्रोडक्ट ऐसे हैं अगर आपने अपने बच्चे को देने शुरू किए हैं तो मैं फॉर श्योर बोल रही हूँ कि आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये बार बार आपको डॉक्टर के पास बच्चे को लेके नहीं जाना पड़ेगा। बड़े लोगों के केस में जो ऑलरेडी इलनेस के केस में आ चुके हैं, हेलो, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो जो लोग बड़े लोग हैं वो अभी से शुरू करें और उनको रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, लेकिन फॉर श्योर फर्क आएगा। लेकिन ये एक सेट है चार चीजों का, बार बार बोल रही हूँ, रोजेल, कोकोनट ऑयल, RGGL और स्पिरुलिना। जब आप ये चारों चीजें मिला के एक साथ देंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बता रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कोई आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बता के छोड़ देते हो, स्पिरुलिना खाओ, तो खाली एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। आप ये कॉम्बिनेशन दो और आपका किसी भी तरह का पेशेंट है, किसी भी तरह का केस है, आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बाकी कहीं भी आप कहीं अटक जाते हो, कोई केस है आपका, कोई पेशेंट है जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैं आपको डोज सेट करके बता सकती हूँ कि इस तरह से इस डिजीज में आप काम करिए और आपको आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अनदर जो चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में मैं बहुत टाइम से जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं DXN के प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पेशेंट्स को देती हूँ। और मैं ये श्योरली बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के फैमिली में या कॉन्टेक्ट में डॉक्टर्स होंगे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों को आप कॉन्टेक्ट करिए, उन लोगों को बताइए, और उन लोगों को अगर आप समझाने में सफल हो जाते हो तो आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ एक कहते हैं ना हथौड़ा मारने की जरूरत है, तो वही काम करना है और रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के 100% है। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मैं जो अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करती हूँ वो स्पिरुलिना में एवरी पेशेंट को देने की कोशिश करती हूँ और मुझे रिजल्ट मिलते हैं। तो स्पिरुलिना पे आप मेन फोकस करो और प्लस रोजेल, जिन लोगों को जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को माइग्रेन है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आज के टाइम में, बहुत लोगों को माइग्रेन होता है और हम माइग्रेन की बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं इवन। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है उसको मेरे कहने से सिर्फ स्पिरुलिना और रोजेल आप स्टार्ट कर दीजिए और आपको आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहें तो डोज नोट डाउन कर सकते हैं, रोजेल आपको मॉर्निंग इवनिंग देना है और स्पिरुलिना एटलीस्ट आपको 6 स्पिरुलिना देनी है। और माइग्रेन का जो भी पेशेंट होगा या जिसको बार बार फ्रिक्वेंटली हेडेक होता है, बार बार सर दर्द पकड़ के बैठ जाते हैं, बच्चे हैं या स्टडी करने वाले बच्चे हैं, जो लोग कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, तो उन लोगों को आपको केवल स्पिरुलिना और रोजेल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन जो महिलाओं को बार बार यूरिन में जलन होता है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंटीबायोटिक बार बार लेने पड़ते हैं, और उन लोगों के लिए भी रोजेल आप लीजिए और साथ में आप स्पिरुलिना स्टार्ट करो। आपका जो UTI की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा और ये फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होना भी आपको बंद हो जाएगा। आई थिंक देर इज सम इलेक्ट्रिक इशू। सीमा जी आप थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर दीजिए इधर से, कुछ लाइट का इशू हो गया इधर। गुड मॉर्निंग, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रिक इशू हो गया है, तो हम इस बातचीत को जारी रखते हुए
कि उन्होंने कितनी सिंपल सिटी से और कितने आसान शब्दों में हमें बताया है कि हमें अपनी रूटीन में ये चीजें ऐड करनी है। ये नहीं है कि हमें ये चीजें कभी कभी लेनी है, तो हमें जैसे कि हम हर कोई इंसान चाहता है कि हम जूस पिए, तो जूस के तौर पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। रोजल उन्होंने बहुत अच्छा उसका बताया कि हम लोग जैसे ज्यादातर हमारी टॉकिंग में यही रहता था कि जी ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बट उन्होंने अदर इसके कंटेंट्स भी हमारे साथ शेयर किए कि वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और इसके अलावा अभी उन्होंने कोकोनट ऑयल पे बहुत अच्छा कि हम लोगों का जो कुकिंग ऑयल है वो काफी हद तक हम लोग खराब यूज कर रहे हैं और इसी का ही ये नतीजा है कि हमें बहुत सी डिजीज लेबल लग चुके हैं। इसके अलावा हम जो है न्यूट्रिशन के तौर पे हमें स्पिरुलिना चाहिए ही चाहिए, और आरजीजीएल जो है जिसका बेसिक काम किसी हम डिजीज से जोड़ के ना हमारे शरीर की सफाई और सेल को एक्टिव रखने के लिए होता है। अभी लगता है मुझे उनका इलेक्ट्रिक इशू शायद ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह की शेयरिंग उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में हमें की, और हम ये अपनी लाइफ में हम किसी को यहाँ किसी बीमारी के लिए ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आसान शब्दों में हम उन्हें भी ये सब चीजें यूज करने के लिए कह सकते हैं। और इसका हमें और उनका वो इलेक्ट्रिक इशू या जो भी है वो ठीक हो चुका है, तो हम दोबारा से उन्हें इन्वाइट करते हैं। तो वेलकम है मैडम का। हाँ जी प्रेरणा, आवाज सुन रही हैं आप मेरी? हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलो। अबे यार नहीं आ पा रही नेट में जो बड़ी है। मैं चाहूंगी कि इसके साथ साथ मैं गुरुजी को इनवाइट करती हूं कि थोड़ा सा वो भी इस चीज को अपने शब्दों में हमें समझाएं, हो सकता है तब तक उनका कुछ इलेक्ट्रिक इशू जो है वो ठीक हो जाएगा। गुरुजी को इनवाइट करते हैं। हां जी गुरुजी। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन चल रहा था, मेरे को लगा कि अभी रिलैक्स मैं हूं, मैं अभी तो जागने के लिए टाइम लगेगा। अभी जो भी बताया वो बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि एक प्रैक्टिशनर जो है जो अपने पेशेंटों पर देकर जो ट्राई करता है तो वो पेशेंट बेस ही बताएगा, और पेशेंटों पर तो अच्छा है ही, लेकिन आज जो हमें देना है तो आज हमें घर के हर व्यक्ति को, घर में जितने भी लोग हैं हमारे घर में, सभी को कोरोना से बचना है और सभी को घर से बाहर भी निकलना है। तो आज हमें इन सब प्रोडक्ट की आवश्यकता घर में किसी एक बंदे को नहीं है, घर में सभी को है। तो आज हमें ये मैसेज आगे देना बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी की आवश्यकता, रोगों से लड़ने की ताकत, या जो भी हम मेंटल हेल्थ, जो जैसे अभी बताया था कि हम आज माइग्रेन डिप्रेशन होने का मेन कारण बहुत सारे हैं, किसी का रोजगार खराब हो गया, किसी की नौकरी जो है जा रही है, कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो ये सारी चीजें जब एक साथ सामने आएंगी तो दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो जो अभी बोलता रहा हूँ और फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सेकेंड अर्निंग का स्रोत होना चाहिए, अगर आपकी सेकेंड इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में एक ही इनकम है और उसी इनकम में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम देखते हैं कि अब कहाँ जाएं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें खुद बहुत शुरू में ही मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद शुरू में हम इसमें 100% मेहनत करते, इसके बाद हम 90% मेहनत करते, फिर 80% मेहनत करते, और एक टाइम ऐसा आता हम केवल 5% मेहनत करते, 95% हमारी टीम मेहनत करती और हम आराम से जिंदगी जीते।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, हमें सभी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर क्यों होना है, क्योंकि हमें अभी बहुत जल्दी हमें रिटायरमेंट लेना है, बहुत जल्दी हम इस लायक हो जाएं कि हम अगर काम ना भी करें तब भी पैसे आए, घर में बैठे रहें तब भी पैसे आए, लोगों को गाइड करते रहें तब भी पैसे आए। तो ये सब करने के लिए हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, जो मैं बार बार बोलता कि 3,000 रुपया में ये बिजनेस स्टार्ट होता और 3,000 रुपया लगा के हम मिलेनियर बन जाते तो शायद ये बात हजम नहीं होती, और क्योंकि हजम इसलिए नहीं होती आज तक हमने ऐसा सुना नहीं। तो हम लोगों ने तो 3,000 से भी शुरू नहीं किया था, अगर मैं आपको बात करूं तो उस समय 1,270 रुपए में प्रोडक्ट लेना पड़ता था, और वो भी मैं अगर बात करूं तो मेरी अप्लाई नहीं लिया था मिस्टर बर्गर ने, क्योंकि मैं तो वास्तविक हकीकत बताऊं ये बोलता था कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत ये है कि जब इस बात को कोई समझ जाता है तो वो जैसे कहते हैं कि जो वो होते ना बंधन, जैसे बोलते हैं कि उन बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम है उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी तक, अभी हम जूझ रहे हैं कि ये करें वो करें कहाँ से पैसे आए। लेकिन आज जो जितने भी बड़े जो लोग थे या बड़ा समझ रहे थे अपने आप को, आज की तारीख में सबकी कहानी खराब हो गई, और खराब होने का मेन कारण ये रहा कि अभी ये नहीं पता चल रहा कि कितने दिन खराब रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम बात करें डिएक्शन की बात करें हम, तो मार्च के बाद से अगर हम बात करें हर महीने हमारा अर्निंग जो है वो बढ़ा है, हमारा अर्निंग घटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग और आके इन्वॉल्व हो गए। अब उन लोगों को ये पता लग गया कि वास्तविक हकीकत में सेकेंड इनकम का होना जीवन में कितना जरूरी है, एक ही इनकम पे डिपेंड रहकर जिंदगी अच्छे से नहीं जी जा सकती, क्योंकि ये झटका जो लगा कोरोना का इसने ये बता दिया कि अगर आप एक ही इनकम पर रहेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और ये एक तरीके का मैं ये मानूं कि एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी है, और या हम ये कहें कि एक हमें एक मार्ग भी मिला, कि एक रास्ता ऐसा मिला कि आपको कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करना चाहिए कि जिससे आपके घर में जो FMCG प्रोडक्ट आ रहा है, जो आपके घर में ऐसा सामान आ रहा है जिसको आप यूज कर रहे बिना रह नहीं सकते, वो सामान आप मान लिया एक ऐसी दुकान जो अपनी ही दुकान बना ले और लोगों को दुकान बनाने का बारे में बताएं, और वो बताने के बदले में सबके घर में पैसा आता है, एक नहीं मेरे घर में पैसा आता है, हम सब लोगों को गाइड करना और सभी के घरों में पैसा आता है। जब हम सारे लोगों के घर में पैसा आएगा, सभी घर संपन्न हो जाएंगे, सभी लोग अच्छे से जिंदगी जिएंगे, तो एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की स्थापना, अगर स्वस्थ भी होंगे हम हेल्दी भी होंगे और हम वेल्दी भी होंगे, और एक अच्छे समाज की स्थापना करने में हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मदद पैसे से किसी की ना करो, लेकिन अच्छे विचार देकर आप लोगों की मदद करो और लोगों को इस लायक बनाओ कि सभी लोग समृद्धशाली हों। ये एक ऐसा सेक्टर है कि ये एक आहुति है, एक यज्ञ है, अभी ये इस यज्ञ में हम सभी को शामिल होना चाहिए, और जो समृद्धशाली बन चुके उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो और लोगों को समृद्धशाली बनाए, क्योंकि यहाँ जो अभी तक हमारा जीवन था, जो आदमी पैसे वाला हो जाता है वो और लोगों को कुछ समझता नहीं और लोगों के बारे में सोचता नहीं। लेकिन डीएक्शन नेटवर्क, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये है कि अगर आप समृद्धशाली बने हो तो आप बहुत सारे लोगों के सहयोग से बने हो, और आज आपका ये कर्तव्य है कि अब उन लोगों को आप समृद्धशाली बनाओ, वो लोग आगे और लोगों को बनाएं। दीप से दीप जलाने का ये सेक्टर है, अगर मान लिया एक ही दीपक बहुत सारे दीपक नहीं जला सकता, हम लोगों को सबको अपना दीपक बनना और आगे दीपक को आगे जलाना, ये हम सभी लोग निर्णय लें और इस निर्णय के साथ हम आगे बढ़ें। मेरे घर में सारे डॉक्टर होने के बाद मैंने सबको ये बोल रखा है कि कुछ भी बन जाओ लेकिन डीएक्शन जरूर करना है, और आज डीएक्शन से मेरे परिवार में इंडिविजुअल सबको अलग अलग इनकम आती है और सब लोग अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन एक सेकेंड इनकम उनका जनरेट है। अगर मान लिया पीछे 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटल बंद रहा तो उन लोगों को मेरे से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको एक हैंडसम इनकम डीएक्शन से आती है। तो ये हम सब लोगों को सीखना है कि एक ऐसा सेक्टर है कि आप कुछ भी हो लेकिन आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसमें हमें कहीं नौकरी नहीं करनी, कहीं दुकान खोल के नहीं बैठना है, केवल अपने घर में जो सुबह हम प्रोडक्ट यूज करते, जो हम शैम्पू यूज कर रहे, हम ऑयल यूज कर रहे, हम पेस्ट यूज कर रहे, केवल हमें उसका रिप्लेस करना, और वो रिप्लेस करने के बदले में अगर पैसा आता है तो इससे इजी और इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। मैं ये आपको लोगों को बार बार ये बताता रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी भी इनकम आपकी है, यदि आप कितना भी लाखों रुपया महीना भी कमा रहे हैं
और अगर 50,000 या लाख रुपया महीना इससे भी आने लगे तो मैं तो नहीं मानता कि हमारा हाजमा खराब हो जाए। ज्यादा पैसा आ रहा तो दान कर दो, बहुत दुनिया गरीब है। अगर आप जाओ कि लोगों को कहीं निकल रहे हो गाड़ी से तो ये देखो कि ये गरीब आदमी बैठा, किसी को कपड़े दिला दो, किसी को शॉल दिला दो, किसी को कंबल दिला दो, किसी को लिहाफ दिला दो, बहुत पैसा दान किया जा सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उतना फालतू होता ही। तो हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हम जो चाहें वो कर पाएं, जो हम खरीदना चाहें वो खरीद पाएं। अगर ऐसा हमारे जीवन में हो जाए और ऐसा ही हम आगे लोगों को बना पाएं तो यही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और इसमें हमें सहयोग करना। सब लोगों की निगाहें गवर्नमेंट पे लगी रहती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी। गवर्नमेंट आपके लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट आप भी हो सकते हो, आप भी सरकार बन सकते हो, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा हमें खुद ही कमाना पड़ेगा, हमें निगाहें नहीं गड़ानी है सरकार के ऊपर। और अगर सैलरी की बात करो आप तो सैलरी उतनी नहीं बढ़ती है जितना महंगाई बढ़ता है, उस रेशियो में सैलरी कभी नहीं बढ़ता। हर 10 साल में आप बात करो तो कोई भी चीज का रेट आप उठा के देखो तो वो डबल हो जाता और इतना बढ़ जाता कि आप उसको कवर नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसको कवर इसलिए कर लेती है कि उसी रेशियो में आपके मेंबरशिप, आपकी डाउनलाइन बढ़ जाती है और आपको नहीं पता कि आपकी इनकम एक महीने में ही डबल हो सकती है या एक महीने में ही 4 गुनी हो सकती है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। मेन बात यह है कि जो आप काम कर रहे हो किसी के लिए, वहां पर आपका जो इनकम आती है उस चेक पर साइन उस बंदे के होते हैं जहां आप काम कर रहे हो। यहाँ जो हम काम करते उस पर साइन हमारे होते, हमें उसे कितना बढ़ाना कितना घटाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम अपनी इनकम, अपना भाग्य खुद लिखते और यहाँ पर हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। वहां पर हम जॉब करते तो वहां जो है जॉब करने में हम जो डाउन हो जाते, वो डाउन इसलिए होते, हमें पता कि मेरे को 60,000 मिल लें, 70,000 मिल लें, मिलेंगे उतने ही, मैं काम ज्यादा करूं या ना करूं तो मैं ज्यादा क्यों करूं। तो वहां पर जो है उसके अंदर एक ये आ जाता कि टाइम ये रहता कि अब 4 बज गए, अब 5 बजने वाले, अब मेरे को जाना। बुधवार अगर वेडनेसडे निकल गया तो अब उसको ये रहता 2 दिन और रह गए, अब मेरी छुट्टी आने वाली है। तो वो केवल सैटरडे संडे की तरफ उसका ध्यान होता और कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसको उतनी उतना ही मिलना है जितना फिक्स हो चुका है। लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर तो आप कितना बना सकते, स्काई नो लिमिट। जैसे हम बोलते ऐसे ही हमारा इनकम है। आपका आपकी दीवानगी चाहिए, आपका जुनून चाहिए, जितना आप चाहो उतना पैदा कर सकते। ये अलादीन का चिराग है जो गरुड़मा है, ये हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है, हैप्पीनेस भी देता है। इसमें आप जो चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको मिलेगा, आपको रुकता नहीं करता। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद जो आपने जो है लास्ट का हमारा कार्यभार आज संभाला। और प्रेरणा, डॉक्टर प्रेरणा बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के गई हम लोगों को, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है डिस्टर्ब रही, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दोबारा डॉक्टर प्रेरणा को जरूर लेके आएंगे। साथ में जो है मैं धन्यवाद जो देना चाहता हूँ आज आज के लिए, हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है, पूजा पटेल, पूजा पटेल करके एक फैमिली जुड़ी हुई है, और इस पूरी फैमिली के लिए हम सब लोग मिलके क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये सभी देख रहे थे कि सभी लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली कैमरा ऑन करके मीटिंग सुन रही है, और छोटे बच्चे से लेकर परिवार के सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो चलते चलते आज की क्लैपिंग हम पूजा पटेल की पूरी फैमिली के लिए, प्लीज।